वेलकम टू माई चैनल क्विक नॉलेज बाई मीर फातमा टूडेज लेक्चर इज अबाउट इंजरीज ऑफ ब्रेकल ओके ओकेट स्टार्ट अच्छा इंजुरीज और ब्रेकअलैक् दो टाइप्स के ठीक है एक आपके पास अर्ब्स प्रालिस और एक आपके क्लम केज परालिस होती है ठीक है अब इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अर्ब्स परालिस अर्ब्स परालिस से पहले हम देखते हैं वट इज़ अर्ब्स पॉइंट ठीक हो गया अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि आपके पास दो रूट्स दिखाई गई हैं यहाँ पे सी फाइव एंड सी सिक्स ठीक है हमें पता है जहाँ पे रूट्स मिलती हैं रूट रूट्स ये आर है रूट्स के मिलने से आपके पास बनते हैं ट्रंक ठीक है और ट्रंक्स में से फिर बनती हैं डिवीजन्स आप देखो सी फाइव और सी सिक्स यहाँ पर रूट हैं ये दो रूट मिल के यहाँ पर अच्छा सी फाइव और सी सिक्स से अपर ट्रंक बनेगा ना तो इससे आपके पास अपर ट्रंक बना फिर ट्रंक से आगे फर्दर डिवीजन है एंटी डिवीजन्स बनती हैं और डिवीजन भी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ठीक है अब यहाँ पे देखो आप जहाँ पे दो रूट्स मिल के ट्रंक और ट्रंक से डिवीज निकल रही हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं अर्ब्स पॉइंट ठीक है इसको हम कहते हैं अर्ब्स पॉइंट अब इस लेवल पे आप देखो हम ये भी ये भी कहते हैं कि यहाँ पे सिक्स नर्व्स मीट कर रही हैं अब देखो सी फाइव रूट रूट भी तो नर्व से बनी हुई है सी सिक्स फिर सुप्रा सुप्रास्प्युलर नर्व नर्व टू सब क्लेवियस ट्रंक की जो एंटीरियर डिवीजन पोस्टीरियर डिवीजन ठीक है ये सिक्स नर्व्स है जो यहाँ पे इस अर्ब्स पॉइंट पे मीट करती हैं सो व्हाट इज़ द अर्ब्स पॉइंट इट इज़ द एरिया सिक्स जो है आपके पास नर्व्स मीट ठीक है और किस लेवल पे अपर ट्रांक के लेवल पे सी फाइव और सी सिक्स देर रूट्स द्वाइंट टू फॉर्म द अपर ट्रांक देन अपर ट्रांक से एंटीरियर एंड पोस्टियर डिवीनियन और इस लेवल पे आपके पास सुपर स्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू साफ्ले वेस्ट ठीक है इस पॉइंट को हम कहते हैं अर्ब्स पॉइंट और इस पॉइंट पर अगर आपके पास इंजरी होगी तो हम कहेंगे यू हैव अर्ब्स परालिस पेलिसिस होगी और उस परालिस को हम अर्ब्स कहते हैं बिकॉज इट अकर्स एट अर्ब्स पॉइंट ठीक है अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे वट इज द साइट एंड वट इज द कॉज ऑफ़ इंजरी साइड अभी तक अभी हमने देख ली ठीक है क्या कौन सी साइड थी अपर ट्रांक वो वाला पॉइंट हम अर्बस पॉइंट कहते हैं तो इंजरी टू द अपर ट्रांक कॉजिस अर्ब्स पेरलिस ठीक है अब इसकी कॉज क्या है देखो हमारे पास पता है ब्रेकि फ्लैक्स हमारे जो है वो नेक वाले रूट रूट ऑफ द नेक वाले रीजन से गुजर होता है अगर आपके पास एक्सट्रीम एक्सटेंशन हो जिसमें आपके पास हैड और शोल्डर की बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो जाए एक्सट्रीम एक्सटेंशन आप हेड की अगर एक तरफ कर लो ठीक है एक्सट्रीम एक्सटेंशन हो रही है आपकी हेड की या सेपरेशन आप इसे कह लो अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम शोल्डर ठीक है एक्सट्रीम मतलब शोल्डर और हेड के दरमियान में डिस्टेंस कोई ऐसी चीज हो इतना ही एक्सटेंशन कर दे हेड की कि शोल्डर और हेड के दरमियान में डिस्टेंस बहुत बढ़ जाए ठीक है जाहिर है मसल्स भी हैं वो भी स्ट्रेच हो जाएंगे इस इस वजह से जो आ, है हमें अर्स पैरालसिसिस हो सकती है और अनड्यू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम शोल्डर किन किन पॉइंट्स पे हो सकता है बर्थ इंजरी ठीक है या तो बर्थ इंजरी या आप फॉल ऑन द शोल्डर आप गिरे हो इस टाइप से गिरे हो कि आपके शोल्डर पर वज़न पर है और आपके पास हेड और शोल्डर की एक्सट्रीम सेपरेशन हो गई है ठीक है या ड्यूरिंग एनस्तीजिया भी हो सकता है सो वट इज़ साइड इट इज़ द अपर ट्रंक पॉइंट इज अर्ब्स पॉइंट सो अब क्यों हो रही है जब आपके पास हेड और शोल्डर की सेपरेशन होगी और वो किन किन पॉइंट पे हो रही है तो बर्थ इंजरी हो सकती है या गिरे एक इंसान जो है वो फॉल ऑन द शोल्डर सारा वजन शोल्डर पे पड़ा है और ड्यूरिंग एनेस्थीसिया ठीक है सो दिस इज़ द साइड एंड द कॉज ऑफ़ इंजरी अब देखो कौन कौन से नर्व रूट्स इन्वॉल्व हैं अभी हमने इस uh, में देखा कि नर्व रूट्स uh, कौन कौन से सी फाइव एंड सी सिक्स इसमें से जो मेनली सी फाइव है और पार्शली मतलब हाफ जो है वो सी सिक्स इन्वाल्व होता है ठीक है सो so, मेनली आपके पास सी फाइव इन्वॉल्व होता है और पार्शली सी सिक्स रूट ऑफ ब्रेकर प्लेक्सेज ठीक है अब हमने देखना है सी और सी सी रूट तो ठीक है हो गए अब कौन कौन से मसल्स जो है अफेक्ट हो रहे हैं जाहिर है हमारे मूवमेंट्स कौन करवाता है मसल्स करवाते हैं तो जो जो से मसल्स इफेक्ट होंगे अगर हमें उनका पता होगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा आगे कौन कौन सी मूवमेंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो रही हैं ठीक है सो so, जो मसल्स पैरालाइज्ड हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं याद करना बाइसेप्स ब्रेक्याय ठीक है डेल्टॉयड मसल देन ब्रेकिलिस ब्रेक्योरेडियालिस मेनली ये मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इनको ईजी याद करो देखो एक तो ब्रेकियालिस तीन तो बी से बन रहे हैं बायसेप्स ब्रेक है आए ब्रेक इजी है यू ईजी और ब्रेक मिल रहा है और बायसेप्स ब्रेक है तीनों बी से बन रहे हैं एक डी से बनता है डेल्टोइड ठीक है ये मेनली ये इन्वॉल्व है और जो पार्शली जो है वो मसल्स इन्वॉल्व हुए हुए हैं ना वो हैं सुप्रास्पाइनेटस इन्फ्रास्पाइनेटस और सुपिनेटर इन ठीक है देखो इसमें स्पाइनेट ये भी इजी याद करना सुपरा है फिर एक इंफ्रास्पाइनेटस है और फिर सुपिनेटर मसल आ जाता है तो ये मसल जो है वो इन्वॉल्व हैं जाहिर अगर ये जो मसल फिर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे वो भी जो पर्सन जिनमें अब पैरालसिस होगी वो लॉस्ट हो जाएंगे अब देखो लिम्ब की पोजिशन आप देखो यहाँ पे कैसे है ये लिम्ब देखो बॉडी के बिल्कुल साथ एडप्ट होकर बॉडी के साथ लगा हुआ है मीडियली रोटेटेड है ठीक है क्यों हमें पता चल रहा है मीडियली रोटेटेड है ये देखो इस तरफ उसकी स्मॉल फिंगर नजर आ रही है इट मीन्स के थंब दूसरी तरफ रोटेट किया हुआ है मतलब थंब अंदर की तरफ रोटेट किया डेट मीन्स मीडियल रोटेशन हुई हुई है आपके लिम की ठीक है मीडियल रोटेशन भी हुई हुई है एक्सटेंशन भी हुई हुई है ठीक है तो दिस इज द पोजिशन ऑफ द लिम्ब अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं लिम में सबसे पहले हम देखते हैं आर्म की पोजिशन क्या है देन हम देखेंगे फोर आर्म की पोजिशन क्या है आर्म देखो हैंग्स बाय द साइड इट इज़ एडक्टेड एंड इट इज मीडियली रोटेटेड यही हमने अभी यहाँ पे देखा है यहाँ पे ये यह देखो आर्म आपके पास जो है इट इज़ एडक्टेड मतलब बॉडी के साथ लगा हुआ है नॉट अवे फ्रॉम द बॉडी अवे होगा तो एबडक्टेड साथ लगा होगा तो एडक्टेड ठीक है तो ये देखो एडक्ट भी है और मीडियली रोटेट भी हुआ हुआ है आर्म की पोजिशन है फिर फोर आर्म की पोजिशन देखो इट इज़ एक्सटेंडेड एंड इट इज़ प्रोनेटेड ये देखो फोर आर्म एक्सटेंड हुआ हुआ है और प्रोनेशन मतलब जो है उस पोजीशन में है प्रोनेट मतलब आपको मतलब हैंड की अगर आप डोर्सल सरफेस सामने लेके आओगे तो वो प्रोनेट प्रोनेशन है और अगर आप उसकी पाम वाली एरिया अगर आप अपनी तरफ करोगे डैट इज सुपिनेशन ना तो यहाँ पे देखो वो प्रोनेशन वाली एरिया में जा रहा है सो आर्म हैंड्स विद मतलब साइड एडक्टेड एंड मीडियली रोटेटेड फोर आर्म एक्सटेंशन हुई भी है और प्रोनेशन भी हुई है अच्छा अब प्रैलिसिस के ना कुछ और भी नाम है उसको हम क्या कहते हैं जो डिफॉर्मिटी है पुलिस मैन टिप हैंड वेटर्स टिप हैंड या पोटर्स टिप हैंड टिप हैंड सब में यूनिक है एक पुलिस मैन टिप हैंड है एक वेटर आ जाएगा और एक आपके पास आ जाएगा पोर्टर्स टिप हैंड सो so, देर आर द अदर नेम्स ऑफ दिस डिफॉर्मिटी अब डिसबिलिटी डिसेबिलिटी मीन्स कौन कौन से मूवमेंट्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाएंगी अब देखो आपका दो मूवमेंट्स याद करना बहुत इजी है हमने आर्म के बारे में बात की डेट इज़ एडक्टेड डेट मींस कि हम एबडक्ट नहीं कर सकते आर्म आपके पास मीडियली रोटेटेड था डेट मींस हम लेटरली रोटेट नहीं कर पाएंगे ठीक है और आपके पास जो फोर आर्म था डैट वाज एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड एक्सटेंडेड है तो हम उसको मतलब फ्लैक्स नहीं कर सकते और अगर वो प्रोनेशन वाली जो है वो कंडीशन में है या उस जो है पोजिशन में है इट मीन्स हम उसको सुपिनेट नहीं कर सकते ठीक है ये देखो आर्म एडक्ट है हम उसको एबडक्ट नहीं कर सकेंगे मतलब अर्स पैरालिसिस वाला जो पेशेंट्स होंगे वो अपनी आर्म को एबडक्ट नहीं कर सकेंगे उसको लैटरली रोटेट नहीं कर सकेंगे देन फोर आर्म की फ्लेक्शन नहीं कर सकेंगे और उसकी सुपिनेशन नहीं कर सकेंगे ठीक है अब हमें सुपिनेशन क्यों जरूरी है अगर हम जब सपोज देखो जब हम खाना खाते हैं तो हम वो किस पोजीशन में खा रहे होते हैं वो सुपिनेशन वाली पोजीशन होती है तो ज़ाहिर है जब इन पैरालस वाले पेशेंट्स हैं वो अपनी आर्म फोर आम को सुपिनेशन वाली पोजीशन में नहीं लेके आ सकेंगे डैट मीन्स वो खाना भी नहीं खा सकेंगे कभी गौर करना जब हम खाना खाते हैं हमारा हैंड जो है वो सुपिनेशन पोजिशन में होता है उसी में हम उसको टूवर्ड्स माउथ लेके जा रहे होते हैं तो ज़ाहिर है जब ऐसे पेशेंट्स जो अपने हैंड को या अपने फोरआराम को सुपिनेट नहीं कर सकेंगे उनको खाने में भी प्रॉब्लम होगी ओके okay. देन आपके पास है बाइसेप्स एंड सुपिनेटर जर्क्स आर लॉस्ट बाइसेप्स ब्रेक आई मसल हमने पढ़ा था कि उस मसल की मूवमेंट्स लॉस्ट हो रही हैं एंड तो देन हमने सुपिनेटर के बारे में भी पढ़ा था तो इन uh, मसल्स की जो आपके पास जर्क्स हैं दे बिकम लॉस्ट एंड लास्ट वन इज द सेंशन लॉस्ट हो जाती हैं आपके पास कहाँ पे लोअर पार्ट ऑफ डेल्टोइड मसल पे सेंसेशन आर लॉस्ट ओवर स्मॉल स्मौ, एरिया ओवर द लोअर पार्ट ऑफ डेल्टोइड मसल ठीक है डेल्टोइड मसल हमें पता है कि हमारे जो अपर लिंब है उसके सबसे ऊपर ये पड़ा होता है ठीक है और ये हमारे शो, मतलब शोल्डर मसल है तो शोल्डर की जो शेप है वो ये वाला मसल जो है वो कंट्रोल कर रहा है डेल्टोइड मसल तो ठीक है इस डेल्टोइड मसल के लोअर पार्ट पे सेंसेशंस आपको लॉस्ट मिलेंगी तो so, डिसेबिलिटी देख लो आर्म अडेक्टेड थी तो हम एबडक्ट नहीं कर सकेंगे ये पेशेंट्स लैटरली रोटेट नहीं कर सकेंगे फ्लेक्शन और सुपिनेशन नहीं कर सकेंगे दो मसल्स के जर्क्स लॉस्ट हो रहे थे एक था बाइसेप्स एक था सुपनेटर जना के पास लोअर पार्ट ऑफ डेल्टोइड में सेंसेशंस भी लॉस्ट हो जाएंगे दिस इज ऑल अबाउट अर्ब्स प्ररालिसिस थैंक यू